वेदांत त्यागी के सवालों पर बचते दिखे। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में किए शिरकत और कहा कि बीजेपी की अपनी एक विचारधारा और कार्य पद्धति है, उसके आधार पर संगठन चलता है। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसीलिए प्रशिक्षण व कार्यकर्ता सम्मेलन होते रहते हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी जाती है। स्वतंत्र देव सिंह ने नागरिकों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों में झंडा फहराने की अपील। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर और छोटे कार्यकर्ता यानी सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग होता है और ये जनसंघ के समय से ही है, क्योंकि अपनी एक विचारधारा है, अपनी कार्यपद्धति है, उसके आधार पर संगठन चलता है। क्योंकि ये वंशवादी जातिवाद परिवारवाद की पार्टियां नहीं हैं, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए प्रशिक्षण बैठकें, कार्यकर्ता सम्मेलन, रैलियाँ ये होती रहती हैं और इसी से कार्यकर्ता का निर्माण होता है और कार्यकर्ताओं का निर्माण होते हुए वो कार्यकर्ता दायित्व पर बैठता है, चाहे संगठन में बैठे चाहे सरकार में बैठे। दोनों में बैठने के बाद गरीबों की सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना और नए कार्यकर्ताओं को अपने संपर्क में जोड़ना, फिर उसके अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए सोचे और एक गरीब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान कैसे मिले, उसको छत कैसे मिले। ये आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये दोनों योजनाओं को हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, बाकी भी माध्यम से घर घर तक गरीबों को लाभ मिले। ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास जाकर आवास उनको कैसे मिले, उनके बैंक का खाता कैसे खुले और ये स्वच्छता अभियान कैसे चले, ये सभी विषयों पर सत्र में अध्ययन होता है और कार्यकर्ताओं को आगे के लिए काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। लेकिन सर, इतना प्रयास किया जा रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं को शालीनता सिखाने का, लेकिन त्यागी जैसा व्यक्ति महिला के प्रति जिस तरह की भाषा, हमारी आदि भाषा बोलते हैं, क्या लगता है इस तरह की बातें? कौन आह्वान किया है कि संपूर्ण देश पार्टी से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, उन शहीदों के लिए, उनके सम्मान में 13, 14, 15 ऐसे सभी तारीख में 13, 14, 15 अगस्त को अपने घरों पर और आपके भी माध्यम से लोगों को सूचना जाए कि अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, झंडा फहरा, तिरंगा और भारत माता की जय। उन शहीदों के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बढ़ेगा।